अरे कृष्णा तो तो बार प्रभुपा जी ने काफी सुंदर क्लैरिफिकेशन दिया अबाउट द द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन तो यूजली हम तो बात करते हैं वुमेन लिबरेशन की स्त्री को स्त्री को आजाद होना चाहिए वो तो कैद में है बुलबुल इज इट रियली लाइक दैट नाउ तो इस हमने पिछली बार चर्चा की थी ओके okay. तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से शिल जी इंदिरा गांधी से मिलने का प्लान कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को शिल प्रोपाल जी ने लेटर लिखा मतलब जी का विजन क्या है इतना जबरदस्त विजन है प्रभुपा जी का <coughs> तो जी ने देखा कि ना अक्सर डिवोर्टी जो कि इंडिया में आते हैं सेवा करते हैं प्रीचिंग करते हैं लेकिन बार बार फिर उनके पास ऑफिशियल्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है तो इसकी वजह से अब डिवोर्टीज को काफी दिक्कत करती तो इसलिए जी ने कहा ओके लेट्स गो फॉर परमानेंट वीजा मतलब पर मिल जाए अब अब कि कि ये नहीं है छह महीने का वीजा फिर उसको रिन्यू कराओ कितनी बार तो उनको बार डिवोटिस को अपने देश आना पड़ता था कि वीजा एक्सपायर हो गया फिर वापस आएंगे अब क्या ये आने जाने का खर्चा <coughs> तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उसका खर्चा काफी होता है तो अब सारे डिवोटिस का हर छह महीने में ये खर्चा करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था तो प्रभुपाल जी ने फिर क्या किया ये प्लान बनाया कि इंदिरा गांधी से मिलकर लेट्स गिव दम

िटी दैट मीनस वो सिक्सटीन मसोलावाला जब भी करेंगे तीन टाइम गायत्री भी करेंगे और फिर वो शास्त्र पढ़ेंगे भी और उस भावना से सबकी सेवा करेंगे तो यह भी था साथ ही संजय गांधी शुड बी एन थ्रोड एस किंग एंड यू यानी इंदिरा गांधी जी भी द मदर क्वीन जैसे क्वीन एलिजेथ है सो शी कैन ई मदर क्वीन और संजय गांधी ना ही वॉज एट दैट टाइम ऑल्सो वॉज फेमस फॉर इवर थ्रो डिस

तो सोच मर प्रोभा प्रभुन मी बट अफको प्रभु नॉट बिकम बिकम द गुरु ऑफ दैट किंग सो दैट एडवाइस टू पर्सन सो संजय शुड बी एन एज किंग एंड यू इंदिरा गांधी बी द मदर क्वीन क्लोज ऑल स्लॉटर हाउसेज जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं यह सबके सब बंद कर दी जाए दैट मीन नो पब्लिक मीट चीटिंग ठीक जी मतलब कहीं ना कहीं इन सम रिमोट कॉर्नर जिसकी बहुत इच्छा है वो कर ले बट ऐसे नहीं खुलने में कोई भी आएगा खाएगा पिएगा मीट ना बिल्कुल नहीं सो क्लोज ऑल सॉटर हाउसेजिंग शुड बी रिकमेंडेड बाई टू ऑल गवर्नमेंट ऑफिशिय गवर्नमेंट खुद रेकमेंड करे कि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको हरे कृष्ण महामंद्र कीर्तन करना चाहिए मीट रीडिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू होम नो पब्लिक मीट रीडिंग ठीक है जी ओके एंड प्रोस्टिट्यूशन शुड बी पनिशेबल कहीं कहीं जाओ प्रॉस्टिट्यूशन इज लाइक इट्स इट्स अ लीगलाइजिंग नॉट जस्ट लीगलाइजिंग बट ये तो टूरिज्म का पार्ट है सो इट शुड बी पनिशेबल प्रॉस्टिट्यूशन शुड बी पनिशेबल देर शुड बी नो रिलीजियस ग्रुप अदर देन भगवदीता एज इट इज एज इट इज सो नो कंफ्यूजन नो माइनॉरिटी अपीजमेंट मेजोरिटी अपीजमेंट ये अपीजमेंट वो अपीजमेंट वन रिलीजन भगवदीता एज इट इज ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर शुड ज्वाइन कीर्तन ट्वाइस अडे तो जितने भी ऑफिस में गवर्नमेंट वाले हैं और उसमें तो हुआ करता, थी। करता था नो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनका टाइम अगर आपके पास है टू टाइम्स एंड सपोर्ट कृष्णा प्रभु ने लेटर लिखा था, था इंदिरा गांधी को सो so प्रभाल जी बड़ी इच्छा थी इंदिरा गांधी से मिले मिलना तो नहीं प्रपोजल दिया मतलब बताता है थिंक ऑफ एम पी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फाइव हंड्रेड डिवोटीज का सिटीजनशिप परमानेंट वीजा दिस इज विजन सो थिंक बिग किसी ने पूछा किसने प्रुभाजी से कि आपने तो जितनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपने कोई कमी भी है क्या प्रभु ने कहा मेरे में एक कमी है आई कॉन्ट थिंक स्मॉल तो ये मेरे में कमी है ऐसा आश, देखा जाए वो भी प्रभुपा जी की महानता ही ग्रेटनेस ही है <coughs> तो जी पहुंचे फिलहाल किया जुलाई इलेवन नाइनटीन में ठीक है जी तो वहां पर रिपोर्टर ना आप क्या मानते हैं यू नो आर 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 हु सुपीरियर ब्लैक मैन आर इन्फीरियर और व्हाइट मैन आर इनफीरियर और वुमेन आर इनफीरियर और दिस इन्फीरियर इज इनफीरियर प्रो पाने का स्पिरिचुअली दे ऑल आर सोल्स तो इसलिए सबके सब बराबर है वर्ल्ड वर्ल्ड डीलिंग में कोई बड़ा बनता है छोटा बताल मास्टर माता पिता को बनता बच्चे तो इसीलिए नो हम इनफीरियर है हम गिरे हुए हम घटिया है, है सबका अपना स्थान है अपना अपना स्थान है तो प्रभु नो सच थिंग मैनेजमेंट इन सोसाइटी समटाइम वी आर टू डू दिस This is superior, this is पर उसमें का भाव नहीं होना चाहिए प्रोपा जी ने बोला किसी uh, uh, ने बोला, नहीं बोला अच्छा, हम लोग स्केप्टिक हो जाते, हैं। हम लो बहुत हो जाते हैं तो इसके बारे में हम क्या कहना है? क्या कहना है तो प्रोपा जी ने बोला एज सुन एजम कैप्टिकल यूकम मिजरेबल छोटी छोटी चीजों में जो हम ना मन फंसा लेते हैं और बड़ी पिक्चर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं वी आर बिकम मिजरेबल एक्चुअली फिर प्रोबेन दिया गोलोक वृंदावन का गोलोक वृंदावन के अंदर नो बडी इज मिजरेबल वाई नो बडी इज मिजरेबल बिकॉज एवरी वन लुक्स फॉर कृष्णा और प्रोबेनिका कभी आप तस्वीर देखिए यू सी यू सी एनी पिक्चर यू सी एनी पेंटिंग एवरी वन इज सो हैप्पी और ऐसे नहीं कि पेंटर ने बनाया सिर्फ हैप्पी दे एक्चुअली आर हैप्पी शास्त्रो में अगर वो पढ़े वाकई में एवरी वन हैप्पी सो विद कृष्णा दर इज नो सच थिंग एज स्केप्टिकल ऑफ एनीथिंग और इसलिए सबको लोग बड़े खुश रहते हैं सो so एक लेडी थी उसने पूछा निक्सन शी शिज हाउ डज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प इन द सोसाइटी समाज वाला किस प्रकार से यह हेल्प करती है प्रभुपाज ने बोला दिस वुड हेल्प रीजन बींग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए नेचुरल फंक्शन ऑफ द सोल ये आत्मा का स्वभाव है ये इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम हरे कृष्णा मूमेंट द इम्पोज समथिंग ऑन द माइंड ओ यू आर यू आर कृष्णा सर्वेंट कृष्णा इज गॉड यू आर सोल एंड ऑफ कृष्णा इम्पोजिशन इट्स ने फंक्शन ऑफ द सोल और जब ये नेचुरल फंक्शन जब होना होता है तो उसका परिणाम ये निकलता है दैट वी बिकम मोर ब्रॉड हार्टेड और हम सबको साथ लेके चल पाते हैं आज दुनिया के अंदर प्रभाल ने बोला ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है बिकॉज पीपल आर नॉट कॉपरेटिंग विद ईच अदर स ऑफ ऑपरेशन क्यों नहीं है बिकॉज दे कॉन्ट अकोमोडेट इच अदर हम एक दूसरे को एक, एक अपने हृदय के अंदर रख नहीं पाते बट कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या करती है इट वुड बीसन उडी पीसफुल एंड ग्लोबली एवरी वन वी पीसफुल जस्ट बिकॉज बींग बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस अफकोर्स देन दिस लेडी मिस निक्सन शी सेट आई कैन सी यू हैव सो मच ऑपिल्स लोग आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेकर के जाते हैं आपको पंखा करते हैं एंड यू आर ऑनर्ड लाइक अंग रूपा ने कहा वाई नॉट आई कि किस प्रकार से गुरु का सम्मान करना चाहिए मैं खुद इससे बहुत अटैच नहीं हूं मैं इससे अटैच नहीं हूं बिल्कुल भी ना ना पर इनको सिखाएगा कौन अगर मैं ऐसे ही रहूंगा अगर, अगर गुरु अगर ऐसे ही रहे भाई मैं बड़ा विनम्र हूं मैं बड़ा पतित हूँ तो कुछ डिसाइबल मान लेते अरे यारे गुरु गुरु जी अरे गुरु जी जी है बड़े विनम्र हैं गुरु जी हाँ तो नौसखीय लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी गुरु ऐसा करते हैं कि मुझे प्रणाम करो बोलो गुरुदेव की जय नॉट दैट कि मैं अपनी ईगो को फीड कर रहा हूं इसके थ्रू बट आई एम टू टीच तो कभी कभी ऐसा सिखाने के लिए ऐसा किया जाता है बाकी जो ऑपिलेंस वगैरह है ये जो आते हैं ये उनका प्यार होता है पर इसमें गुरु को रमना नहीं चाहिए ही कैन एक्सेप्ट दिस ऑपिलेंस इन कृष्णा सर्विस दैट इस वॉट ही कैन डू बट अदरवाइज ही शुड नॉट बी अटैच टू दी ऑपिलेंस तो जो अगर बताए ना आई हैड नो ऑपिलेंस केम टू अमेरिका आई रहने की जगह भी नहीं थी मेरे पास बताया लेकिन उन दिनों में ऐसे ही था जैसे मैं आज हूं और आज अगर सफलता है भक्त लोग इतने बन रहे हैं हजारों की संख्या में लाखों लाखों किताबें पढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर पर बट स्टिल आई हैव लव फॉर द डिवोटी स्टिल स्टैंडिंग हरे कृष्ण एंड एवरी इज सेन तो प्रभाज ने बताया इस तरह से सम ओपिल्सोटी कैन गिव एक्सप्रेशन ऑफ लवर नियोफाइट को सिखाने के लिए कभी कभी वी आर टू एक्सेप्ट ऑपिल ने कहा कि ना एक मुझे जो डाउट होता है वह डीटीस को लेकर के आप इतना बताते हैं कैन मार्बल बी गॉड हाउ कैन मेटल बी गॉड सो यह उनको रहा करता था शी कू नॉट डाइजेस्ट दिस तो प्रभाज ने बोला एनीथिंग विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ फायर एक्ट लाइक फायर जैसे कि अगर लोहा है वो अगर आके टच में आया तो वो भी लाल हो जाएगा गर्म हो जाएगा उसी तरह से वेन द are आर this दिस मार्बल इज यूज इन सर्विस ऑफ गॉड सो द मार्बल बिकम्स एज डिवाइन एज गॉड ऑल दो इट इज स्टिल अ मार्बल बट इट इज इट इज टू like लाइक डिवाइन बिकॉज इट इज डिवाइन सो इट एक्वायर्स क्वालिटीज ऑफ गॉड इसलिए लोग भगवान की के आगे खड़े होते हैं रोते भी हैं कंदन भी करते हैं फीलिंग्स आती है इमोशंस आते हैं भक्ति बढ़ती है एक्चुअली लोगों की वाई बिकॉज द लॉर्ड इज प्रेजेंट तो इसीलिए इन दिस वे ग्रेजुअली वी कैन सी गॉड बाकी प्रभु भाई ने बोला कि ना जब तक आपकी दृष्टि भक्ति में नहीं है आप भगवान को नहीं देख सकते यू कैनॉट सी इवन इन स्पिरिट गॉड वाई बिकॉज आपकी खुद की स्पिरिट में भक्ति नहीं है ऑन अदर हैंड इवन इफ यू सी मैटर इवन इन द मैटर आई कैन सी स्पिरिट सुप्रीम स्पिरिट बिकॉज माई कॉन्शियसनेस इज देयर टू सी द स्पिरिट तो इसे भगवान को देखने के लिए दृष्टि चाहिए होती है अगर दृष्टि नहीं है तो दृष्टि की अनुपस्थिति में व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाता So, प्रेमांजन छोड़ता भक्ति विलोचन है ना सो so, इसीलिए भक्ति का विलोचन जब होगा प्रेमांजन प्रेम कांजन लगा होगा आंखों में द द पर्सन कैन सी गॉड लगा होगा मस्कारा ऑफ लस्ट तो हम भगवान को नहीं देख सकते बट बाई द मस्कारा और आई लाइनर और काजल ऑफ लव डिवाइन लव ऑफ भक्ति देन वन कैन सी गॉड और उसके बाद फिर वहां एक पेरेंट आए हुए थे उनकी बेटी जो थी उसका नाम था जॉय

In fact, I want all Americans should get initiated. All men, all women in this country should get initiated. They should take Diksha as a. He was a professor of Buddhism and Mayavad Hinduism. Hmm, like that. So Prabhupada, so you teach uh, Hinduism? He said, Yes, Swamiji, I teach Hinduism. Prabhupada, what do you teach in Hinduism? And, Swamiji Abhapi what is Hinduism? Prabhupada, don't you know what is Hinduism? यू डो नॉट नो Hinduism, देन वट आर यू टीचिंग तो सिखा कह रहे हो या फिर आप ने बोला अगर किसी को कुछ ना आता हो और वो पढ़ा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं तो एक शिष्य ने बोला चीटर। प्रोबा ने कहा तुमने सुना तुम क्या हो ही बिकेम एंग्री ये स्वामी जी हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस टू मी यू टेल ओके यू टैल देन वट इज हिंदुइज्म यू टेल मी प्रोभा ने कहा फर्स्ट यू हर टू सरेंडर टू मी देन आई कैन इंस्ट्रक्ट यू फर्स्ट शेव योअर हेड पे ओ बाइसेंसेज टू मी

सर्वधर्मा पर मामेकम क्षणम रजा अहम तोम सर बापे भी मोक्षा माशु सो गिव ऑल मंडन रिलीजियटी एंड टेक एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ मी इफ यू डू दैट दैट इज सरेंडर बट यू डू नॉट वॉन्ट टू सरेंडर यू वॉन्ट अ संस्कृत टीचर दैट्स इट यू नो वॉन्ट अ डिवोटी यू डू नॉट वॉन्ट एंड दैट्स वाईट इज नॉट सरेंडर अब ये व्यक्ति तो भाई इतने खूब डांटवाट खाई इसने फिर फाइनली भुन मुनाता चला गया अभी सॉरी हुआ क्या डिवोटिस ने बोला ना बोला स्वामी जी आई थिंक आई हैव टू लीव तो वक्त ने बोला चलिए फिर ठीक है अब आप चली जाइए फिर सिंस यू हैव डिसाइडेड टू लीव उनको बोला प्रभुपा जी अभी इसको और ठुकाई बिठाई करेंगे इसको सो ही वेंट तो डिवोटिज फीलिंग वेरी सॉरी ब्रह्मांड स्वामी दे से है प्रभा जी अभी आर वेरी सॉरी हम आपके पास एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हु यू नो you know, जिसको इतना आपने डांट लगानी पड़ी आपको या या प्रभा जी ने आया इज अ अदी निराकारवादी भगवान के रूप के प्रति बल्कि का खंडन करता he should, he अच्छा है वो प्रभुपा एटलीस्टिव चेस्टाइजमेंट अच्छा थोड़ी डांट वाट तो लगी उसको डिवोटी प्रभुपाल जी ने डांट डाले खुश हुए और उसके बाद भी कई सारी कॉन्वर्सेशन हुई है डॉक्टर पटेल की दे आर देयर वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन पर उसमें डॉक्टर पटेल के थ्रू इतने स्परिचुअल कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हमारे डिवोटीज के मेनी टाइम्स डिवोटीज इन फैक्ट वेन वी आर इन ईस्ट ऑफ कैलास्ट

सो so, एक डॉक्टर हॉपकिंस करके भी थे ही प्रोफेसर से ही बात हुई प्रोभाजी ने कहा हाउ विदाउट अ बींगलिस्ट नोबडी इज अ सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट अ सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट ही हैज टू बी अ पर्सनलिस्ट क्योंकि जो निराकारवादी होते हैं ये संसार के दुख कष्ट से बाहर निकलना चाहते हैं जन्म मृत्यु बढ़ावे मारे इससे निकल जाओ बस पर सेवा नहीं करना चाहते एंड दिस इज इन सिंसियरिटी प्रोभा जी ने बोला इवन अ डिवोटी कैन भी इनसिंसियर दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट इज अंडरस्टूड लेकिन जो एक सिंसियरली प्रैक्टिसिंग इंपर्सनलिस्ट है इस इन इट सेल्फ बाई डिफॉल्ट इन क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी लिबरेशन चाहता है स्वार्थ है उसके अंदर प्रोभाजी ने बोला तो इस तरह से मिस्टर हॉपकिंस ने कई सारे अच्छा वट अबाउट दिस वट अबाउट दिस वट अबाउट दिस चीटिंग दिस फिलोस आर जस्ट चीटिंग बिजनेस बिकॉज नन ऑफ दैम वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड कोई सेवा नहीं करना चाहता भगवान की so

सो इज एवरीथिंग क्रिएटेड बाई गॉड किसने पूछा प्रभु ने बोला यस yes. सो so, फिर उस लड़की ने पूछा देन वट इज द इविल इज ईविल ऑल्सो गॉड्स क्रिएशन प्रभुपा ने कहा इन गॉड्स आई देर इज नो सच थिंग इज गुड और इविल इन गॉड्स आई एवरीथिंग इज गुड वेन समथिंग इज नॉट एम्प्लॉयड इन गॉड सब भगवान की समय में कोई चीज नहीं लगती इट एक्ट्स लाइक इविल और जो चीज भगवान की सेवा में लग जाती है दैट ऑटोमेटिकली इज गुड सो भगवान की नजर में एक्चुअली एवरीथिंग इज गुड सो गॉड डिड नॉट क्रिएट ईविल ओके लेट मी क्रिएट गुड एंड लेट मी क्रिएट ईविल फॉर हिम इट इज जस्ट क्रिएशन दैट्स इट भगवान को इविल का पता ही नहीं जैसे सूरज को अंधकार का नहीं पता अगर सूरज से पूछा पूछा जाए अंधकार क्या होता है आई डोंट नो आई ओनली नो लाइट दैट्स इट सो सिमिलरली गॉड ऑल्सो नोज अबाउट डिविनिटी ही इज ए नो अबाउट डार्कनेस ईविल नो इज नो सच थिंग ऐसा Evil means, ने forgetfulness of God. भगवान को भूल जाना दिस इज और इसी बोला ऐसा शांति मई जीवन भला हमें कैसे प्राप्त होगा प्रभुपाज ने कहा भगवदगीता चैप्टर फाइव भोक्तारमस्म सर्वलोकमेश्वर सुहृदम सर्वभूता तो जो भगवान को परम भोक्ता मानता है सारी देवी देवताओं को स्वामी मानता है यज्ञ का स्वामी मानता है तपस्या का स्वामी मानता है उनको नियंता मानता है अगर कोई इस बात को स्वीकार करे देन द पर्सन कैन बी पीसफुल इस दुनिया के अंदर जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेक द रोल ऑफ गॉड वी आर ट्राइंग टू प्ले एंजॉयर वी आर ट्राइंग टू प्ले क्रिएटर वी आर ट्राइंग टू प्ले गॉड इन दिस वर्ल्ड इन ए मीनिएचर वे इसकी वजह से संसार में बहुत दुख है क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान को कर देते हैं भगवान की पोजिशन को रिप्लेस करना चाहते हैं आई कैन बी क्रिएटेड आई कैन बी प्रोपाइटर आई कैन बी कंट्रोलर आई कैन बी एंजॉय आई प्रोपा ने बोला ये है वास्तव में दुख का मूल कारण ओके okay, तो जब व्यक्ति ने सुना ही आज ऑलरेडी वेरी फिलोसॉफिकल पर उस लड़के ने जब यह सुना ही आर सो मच कन्विंस्ड सो प्रभा ने बोला गेट मी अ कॉपी ऑफ भगवदगीता अब डिवोटी के पास भगवदगीता की कॉपी नहीं थी प्रोपा ने बहुत डांट लगाई ने का एक, एक एक, सच यंग बॉय उसने इतना अच्छा सवाल पूछा है और उसको जवाब के बाद वो सेटिस्फाई हुआ गिवन है गिवन हिम भगवदगीता एज इज एज प्रभा बुक प्रोपा ने कहा गोइंग फॉरवर्ड वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग ऑलवेज कैरी थ्री बुक्स भगवदगीता फर्स्ट कैंड ऑफ श्रीमद भागवतम चैतन चेता फर्स्ट वॉल्यूम मस्ट कैरी यशप्रभा गोइंग फॉरवर्ड विदाउट अ फेल प्रोपा जी का सेक्रेटरी वुड की भगवदगीता इन द पैकिंग ओके सो किसने बोला समटाइम्स वी सी दैट योर डिवोटीज आर बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स व्हाई दे आर बेगिंग व्हाई व्हाई डू दे बेग तो प्रोब ने बोला वेल दे आर बेगिंग बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर यू इन कल्युगा इन दिस डार्क डिवोटीज आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट कंपैशन ऑफ द लॉर्ड यू शुड बी थैंकफुल टू देम दे हैव गिवन अप देयर कंफर्टेबल लाइफ दीज अमेरिकन बॉय अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स दे विंग लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ पर कंफर्टेबल लाइफ क्यों छोड़िए आप लोगों के लिए तो प्रभुपा जी ने बोला देर इज प्रॉपर आश्रम भिक्षा मांगने का एक आश्रम है विच इज ब्रह्मचारी आश्रम सो so ये भिक्षा मांगनी चाहिए इससे ईगो शुद्ध होती है प्रभु बोला इट्स अ प्रॉपर पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू गो ऑन द रोड एंड बैग एंड यू शुड ऑल्सो गिव गॉड इज यू सो मच यू शुड गिव सो दे लर्न वैल्यूज एंड यू गेट पायटी ने बोला so so ऐसा ओके सो किसने बोला ओके सो वाई डर मूवमेंट नॉट एंगेज इन सोशल प्रोटेस्ट ने का जितना सोशल प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं जितना सोशल वर्क हम लोग करते हैं उतना कोई नहीं करता का आपके सोशल वर्क ने क्या दिया है हिप्पीज हमारे सोशल वर्क ने हिप्पीज को हैप्पी बनाया है सबसे बड़ा सोशल वर्क तो हम ही कर रहे हैं सोशल रिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा वी आर डूइंग जस्ती यू आस्क एनी हिप्पी हु हैज ट्रांसफॉर्म दियर लाइफ द मोस्ट दे वुड से हरे कृष्ण सो इसलिए वी डू नॉट डू सोशल प्रोटेस्ट वी वर्क ऑन सोशल कॉज

तो जो गवर्नमेंट ने देखा अरे भाई ये बच्चे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं तो उन्होंने कहा कि नीचे के फ्लोर में उन्होंने ग्लास लगाने शुरू कर दिया ताकि बच्चा अगर जब गिरे तो ग्लास पे गिरे ग्लास पे गिरेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी जमीन में हिट करने से पहले वैसे तो शीशा तोड़ के नीचे गिरेगा वो लेकिन जब पहले शीशे पर गिरेगा पहले शीशा टूटेगा शीशा टूटेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी उससे फिर दूसरा शीशा टूटेगा फिर तीसरा शीशा टूटेगा माया जा है वो फ्लोर पर पहुंचेगा तो फिर वो उसको हानि कम होगी ने ये आप लोगों का कि बच्चे सुसाइड करें क्या करो नीचे के फ्लोर में शीशे लगा दो दोन का लेकिन आप उनका हृदय तो बदल नहीं रहे वट कैन पीपल आर डिससेटिस्फाइड एंड दैट्स दे आर नाउ इन्वेंटिंग न्यूक्लियर वेपन प्रोबाइन ने यही कंट्री का नाम गिनाया इस कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास भी है अमेरिका के पास भी है नॉर्थ अमेरिका के पास भी, इसके पास भी है इसके पास भी है उसके पास भी है जापान के पास भी है का नाउ एवरी वन हैविंग न्यूक्लियर वेपन और डिस्टर्ब तो जो चीज होती है शुरू कर देते हैं क्या करें फिर बटन आई नाउट इज वी नो अबाउट पॉलिटिशियस कैरी द बैगर अगर इफ यू आर नॉट लिस्निंग आई एम हैविंग दिस बैग इन साइड द बैग दिस रेड बटन आई जस्ट प्रेस द रेड बटन मिसाइल वाओ

कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों को चाहे यूरोपियन हो अमेरिकन हो अफ्रीकन हो हाँ, चाइनीज हो रशियन हो दे आर ऑल बिकमिंग स्पिरिचुअल एंड कृष्णा कॉन्शियस स्वामी जी का मैजिक तो कमाल का है जी वाकई में सो दे केम टू मीट शिलो बल्कि उनकी इच्छा ये थी कि यूनिटी ऑफ जो जो यूनिटी के ऊपर जो मेन कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें प्रभुपात जी को इन्वाइट करें यू उनका प्लान था सो so, तो उन्होंने पूछा कि ना वाई ड्यू थिंक दैट ंग गॉड्स इंस्ट्रक्शन अगर हम भगवान कहना नहीं मानेंगे तो फिर दुखी रहेंगे हम लोग क्या प्रोबा ने बोला भगवान ने असली धर्म दिया हुआ है अब ये सब आए हुआ हालांकि कहीं ना कहीं प्रोभागे करें प्रोभा ने बोला आई डो नॉट बिलीव इन मैनुफेक्चर्ड रिलीजन उनमें से एक व्यक्ति वही है ऐसी रिलीजन वाला ही है प्रोभा आई डोट बिलीव इन मैन्युफेक्चर्ड रिलीजन प्रोभा ने कहा फिर दूसरा एड्रेस किया जैन मुनि को दैट इवन दो वी मे प्रोफेस अहिंसा बट दिस इज अ प्लेस ऑफ हिंसा देर इज सो मच ऑफ मी टीटिंग इन इन देश सो मच ऑफ हिंसा सो मच ऑफ वायलेंस एक्चुअली तो इस प्रकार से प्रभात जी ने सबको एड्रेस किया बट स्पेशली जो जैन लीडर थे स्वामी सुशील मुनि जी ही स्वामी चिदानंद जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी थे देड इमेंस अप्रीसिएशन प्रभात उन्होंने कहा स्वामी जी दिस वी हैव नॉट सीन ज क्वार रेवल्यूशनरी अभी जिस तरह से आपकी रथयात्रा फेस्टिवल निकलता है really पंद्रह हजार लोग दिस इज द बेस्ट और सारे अमेरिकन यूरोपियंस है सबके सब दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग और हरे कृष्ण ये हजूम देखना अपने आप में इट वॉज हिप्नोटाइजिंग वो

रखुती, रथ यात्रा निकाली तो प्रभु तो भक्तों ने क्या किया था अपनी इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाया उन्होंने बोला ये ना जो लकड़ी का पहिया है ना तो टूट जाएगा हम लगाते हैं स्टील का पहिया तो उन्होंने कहा कि के जगन्नाथ जी जी और बलदेव बलदेव अंदर का जो रथ था उसमें रखा स्टील का पहिया सुभद्रा मैया में रख दिया उन्होंने लकड़ी का पहिया <coughs> अब हुआ क्या अब लकड़ी क्वालिटी क्या होती है लकड़ी थोड़ी सी फ्लेक्सीबल भी होती है तो जितनी जगह पर रथ चला अगर यहां कुछ बाउंस था हल्का बुल्का तो लकड़ी के बाउंस के सॉफ्ट नेचर ने उसको एब्सॉर्व कर लिया सो so, सबसे स्मूथ चला सुभद्रा मैया का रथ सबसे ज्यादा दिक्कत की जगन्नाथ जी के रथ बलदेव जी के रथ में क्योंकि स्टील का भैया स्टील के भैया फ्लेक्सीबिलिटी होती नहीं चले उसमें चर्मराहटो उसमें कंपन आए डिक, 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 वो रथ जो है हिलता ही रहा हिलता ही रहा हिलता ही रहा बड़ी मुश्किल अब ये हिलने की वजह से वो डिफॉर्म हो गया बल्कि ऊपर का स्ट्रक्चर जो रथ का वो डिफॉर्म हो गया अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं अब जो ये ये इनके पकड़े पकड़ते पकड़ते वो लोग जगन्नाथ जी का बलदेव जी का रथ लेके पहुंचे सुभद्रा मैया के रथ बैठे थे प्रभुभाजी वो रथ मूल्य मौजिया सुभद्रा जी के रथ क्यों बैठते थे बिकॉज सुभद्रा मैया रिप्रेजेंट योग माया स्पिरिचुअल पोटेंसी इज महामाया मोटी पोटेंसी योग माया स्पिरिचुअल पोटेंसी बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल पोटेंसी इसलिए प्रभुपा जी बैठा करते थे सुभद्रा मैया के रथ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन सुभद्रा रथ तो इस तरह से जब डिबोटिस पहुंचे प्रोपा जी ने बोला उनको मैं तुमको बोला था डू नॉट इन्वेंट एनीथिंग न्यू

रेगुलरली uh, कुछ जो जो बुक्स हैं वो तो प्रिंट हो रही हैं लेकिन लंबे समय से ना आपको बुक प्रिंट ही नहीं हुई है प्रोपा ने कहा चैतन्य चरतामृत पेंटिंग वी शुड गेट दिस चैतन्य चरतामृत प्रिंटेड प्रोपाज ने भक्तों को बुलाया प्रोपाज ने कहा आई वॉन्ट टू गेट दिस सेवनटीन वॉल्यूम्स ऑफ चैतन्य चरतामृत प्रिंटेड ओके प्रोपा इन हाउ मेनी ईयरस प्रो इन टू मंथ टू मंथस दट नॉट पॉसिबल शुड मुला, okay, ऐसा लेते हैं एक महीने में एक किताब निकाल लेते लेते हैं कर हैं करोन का फिर एक महीने में एक किताब का मतलब हो गया आई कैंट डू दैट आई चैतन्य चैतामृत इन टू जो डिवोटीज ने कहा प्रोपाल जी ने दे दिया एक अद्भुत टारगेट जितने बेस्ट द स्किल पीपल एडिशनल एडिटर्स पेंटर्स फोटोग्राफर्स टाइप प्रूफ रीडर्स मैन ये दे जस्ट गिव ऑल ऑफ देयर जॉब्स एंड जस्ट गिव फॉर दिस कि भाई अब ये करना है दो महीने के अंदर अंदर प्रैक्टिकली चौबीस घंटे सेवा चल रही थी चौबीस घंटे भक्त सिर्फ मंगलवार करते थे अपनी सोलह माला करते थे इसके अलावा वो बाहर जाते ही नहीं थे कितने ही जगह पे जो पेंटर है वो पेंटिंग करते करते ही वो सो गया हो और फिर वो उठा उसने देखा पेंटिंग बन गई है तो दूसरा पेंटर बोला मैंने कर दी तेरी पेंटिंग तू मेरी पेंटिंग पूरी कर दे तो आपस में डिवोटी रियली की हमें दो महीने में इट इज रियल रिकॉर्ड दो महीने में सेवनटीन वॉल्यूम्स निकालना प्रभुपाद जी ने अपने आपको वही सेशन कर दिया प्रभुपाजी ने कहा नाउ आई वुड बी हेयर जिसको जो पूछना है पूछो आई एम हेयर तो पेंट रहेंगे ओके okay, प्रभुपाद महाप्रभु हैं है महाप्रभु उनकी शिक्षा बनानी है नहीं बनानी है बनानी है कितनी लंबी बनानी है जनेऊ बनाना है नहीं बनाना है

बट यूज प्रोपा जी के प्रोलाजुअल वर्ल्ड अध्यात्मिक जगत में ने झांकनी है खिड़कियां पेंटिंग नहीं बन पाती है उसमें गड़बड़ी रह जाएगी ना प्रोबा ने बोला ब्लाइंड एंगल इज बेटर मामा ना मामा होने से तो बढ़िया है कुछ तो है प्रोपा ने कहा चलेगा अगर कोई आता था प्रोपा जी से मिलने के लिए तो उसको लगता था कि ना ये मेरा स्वार्थ है आई शुड बी शुडर इन द सर्विस बजाय कि प्रभुपा जी के पास आज जाके बैठे उनके दर्शन करें वी शुड बी इन द सर्विस ऐसा एक समय और सारा जो ये प्रोजेक्ट था ये देख रहे थे एक उनका रा, नाम था, राधा वल्लभ यू वॉज फ्रॉम यूएसए एन अमेरिकन तो अभी इनकी दीक्षा हो चुकी थी और राधा वल्लभ प्रभु करके थे तो इन्होंने मतलब ये आखिरी समय की बात है ये तो तभी प्रभुपा जी से मिलने के लिए गए तो जी ने बोला आई एम एंगेज यू सो मच ऐसे प्रभाजी बोल रहे थे प्रभुपा जी को मैं वैसी फीलिंग थी सो राजा वाले प्रभु प्रभु श्या मांग रहे मी ऑल्सो की तुम यहां क्या कर रहे हो गो एंड कंटिन्यू माई सेवा तो राजा वाले प्रभु उठे एंड देन बैक टू द सेवा और प्रभु जी जो है इन इज रूम

क्स मोर देन टू टाइम एन मंथ प्रभुपाजी ने कहा इफ यू लिव बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति एस कृष्ण सीज इन दगवती आई एम दैट सेक्स लाइफ एज पर कोड्सिटी इफ यू फॉलो कृष्णी मोर यू ट्राई टू वॉयलेट कृष्णा मोर यूड बी अनहैपी नाउ यू डिसाइड वॉट यू टू डू साथ ही प्रभुपाज ने देखा कि ना अमेरिका के अंदर क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी विच इज फुल ऑफ सेंसुअलिटी सेंस इंजॉयमेंट तो इसलिए बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए तो प्रभा ने बोला ओके लेट्स ओपन वन गुरुकुल इन टेक्सास गुरुकुल में खोलने, खोलने का प्रोपाज का प्लान था कि कम से कम जो के जो बच्चे हैं दे शुड स्टडी इन गुरुकुल और गुरुकुल का कार्यक्रम जो है प्रोपाज ने खुद डिसाइड किया कि ये हम चीजें बच्चों को पढ़ाएंगे इसमें मटीरियल एजुकेशन भी थी मैथ्स फिजिक्स वगैरह भी थी लेकिन साथ ही स्पिरिचुअल एजुकेशन श्रीमद भागत भगवदीता श्लोका रिसाइटेशन ये सब प्रोपाज ने डिजाइन करने दिया तो प्रोपा जी बड़ी ऑल अक्रॉस द ग्लोब बचपन में बच्चे जो होते हैं अगर उस अच्छे संस्कार उनको दे दिए जाएंगे अन्य लोग नहीं पाएंगे। तो प्रहुपाजी का ऐसा मानना था साथ ही प्रहुपाजी ने मिसीसी फार्मा जी नेता किस प्रकार से हेर विज्ञान है वर्णाश्रम सिस्टम यानी कि वर्णाश्रम के अनुसार वर्ण और आश्रम के अनुसार जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो स्वाभाविक रूप से जीता खुश रहता है

इसलिए लोग वर्णाश्रम सेटअप में आएंगे विलेज सेटअप में आएंगे बुल्स शुड बी यूज फॉर फार्मिंग द बुल्स शुड बी यूज फॉर ट्रेवलिंग मेन शुड एवरी डे स्पेंड फाइव टू सिक्स आवर्स ऑन द फील्ड प्रोबाने बोला प्रभुभा का प्लान था वर्णाश्रम के थ्रू ग्रो लोकल कंज्यूम लोकल अब लोकली ग्रो करो आपकी गाड़ी लैंड है फूड्स वेजिटेबल्स ग्रीन एटसेट्रा गौ माता है आपके पास यूर यू है बोला पर अभी जो है सिटी इट्स उग्र कर्म लाइफ इज सो मच फुल ऑफ एजुटेशन दीपल आर ट्रेवलिंग लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेज लंबे लंबे सफर तय कर रहे हैं क्यों ताकि ना दो वक्त की रोटी कमा सके पापी पेट का सवाल है साहब पापी पेट का सवाल के लिए माई गॉड ने कहा वट वेरी सिंपली लाइफ चाहे सरल तरीके से जी, जी, जीनी सरल तरीके से जीएंगे मन भी सरल रहेगा मन सरल रहेगा तो जो, जो हमने फॉर्म लिया है लेट्स है ट्रेनिंग दिया करेंगे वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हस्बेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से भगवान के बारे में सुनना है हमें इन इवनिंग कैन बी कथा तो प्रभुपा जी ने सारा प्लान बना के दिया दैट हाउ वर्णाश्रम इज प्रैक्टिकल वेन यू आर दैट टाइम एवरी वन वॉज प्रोफेशनली पर्सनली फैमिली वाइज स्पिरिचुअली एवरी वन वॉज हैप्पी लेकिन आज लोग दुखी हैं क्यों क्योंकि हम वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चल रहे तो प्रोभाजी बोल रहा था आई आई हैव हैव गिवन एवरीथिंग लेफ्ट ओनली वन थिंग फॉर माई डिसाइपल्स टू टेक इट फॉरवर्ड दैट इज वर्णाश्रम आश्रम इन दोनों का जब सुंदर लिखा चुका होता है तो देन इट बिकम्स वेरी वंडरफुल तो वहीं पर एक भक्त थे उनका नाम था हरिकेश महाराज प्रोबा ने आउट एंड डू प्रीचिंग ऑल्सो ना डी की सेवा करने में बहुत टाइम लग जाता है इसीलिए यू डू मीन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ जो डी टी वर्शिप है सो इट इट शुड नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम वाई मच ऑफ टाइम इन डी टी वर्शिप ऐसी हुआ कहता मंगल आरती में आधा मिनट लेट हो गया था प्रोबाइल ने बोला थर्टी टू सेकेंड लेट आधा मिनट लेट हो गया एवरीथिंग शुडुअल एवरीथिंग शुड बी देर ऑन टाइम प्रोबाइल ने बोला बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू डू डी डी वॉर्शिप डी डी वॉशिप शुड टेक जस्ट हाफ एन आवर हाफ एन आवर दैट्स इट प्रोबाइन बोला ये ऑफकोर्स प्रोबाइन वाई आर यू टेकिंग सो मच ऑफ टाइम इस तरह से खाना बनाने की तो बात भी आई तो प्रभाजी ने बोला इतने सारे भक्त आ रहे हैं हाउ मच टाइम यू टेक टू कुक कुछ बोला प्रभुपा ढाई घंटे लगेंगे प्रोभा ने बोला इतने लोगों के लिए तो मैं एक घंटे बना दूंगा तो प्रभुपा एक घंटे में नॉट पॉसिबल प्रभुपा ने घड़ी दिखाई अपनी घड़ी दिखाई उसका प्रभुपा जी किचन में उतर गए और सारे भक्तों खिड़की से झांक झांक के देख रहे प्रभुपा जी को प्रभुपा जी इज प्रभुंग कुकिंग ओ या श्री प्रभा इज डूइंग कुकिंग फोर्टी फाइव मिनट से प्रोपा जी ने ही डन विद एवरीथिंग भोग लगा करके एक घंटे में सब कुछ रेडी था प्रोपा ने कहा सी टाइम वन आवर और प्रोभा जी उसने आइटम बनाए दाल रोटी बना दी और उसी में ना 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 पंद्रह आइटम बनाए प्रोपा जी ने अकेले फिफ्टीन आइटम्स प्रोबा जानते नो ही न्यू दैट कि क्या अब क्या चीज वो गर्म हो रही है यहां पर इसको गर्म करना है जब ये गर्म होती है तो वो करना है जब ये दोनों गर्म हो चकला वेलन करना है ही न्यू दैट आइटम बनाए प्रहुपा जी ने एक घंटे के अंदर अंदर सो डिवोट इज रियली तो प्रभु जी अब डेट्रॉय पहुंचे अब जब प्रभाजी डेट्रॉय पहुंचे तो वहां पर प्रभाजी ने बहुत ही सुंदर पैलिशल बिल्डिंग देखी जो कि था कि प्लान था कि ना क्या कैन वी कन्वर्ट दिस बी कन्वर्टिसंपल प्रभु जी ने देखा वाह वेरी नाइस एक ही चीज प्रभाजी देख रहे हैं निहार रहे हैं हम्म hmm. तो जो एजेंट था जो जैसे माता जी एक लेडी थी वो लेकर के आई थी वो थी और उसने फिर प्रोपाइटर से मिलाया कि ये प्रोपाइटर है जी ये खरीदार हैं प्र, स्वामी प्रभुपाद अब प्रभुपाद का नाम इतना था तो उसने कहा यार श्योर आई वुड लाइक टू मीट तो प्रभुपाद बोला वेरी नाइस बिल्डिंग hmm. प्रभुपाद ने कहा सी वी आर बेगर्स आप ना ही हमको फ्री में दे दो वील ओपन आर इस कॉन्टेम्पल हेयर वो बंदा स्टंट रह गया तीन लाख डॉलर की साढ़े तीन लाख डॉलर की थी वो साढ़े तीन लाख डॉलर की प्रॉपर्टी प्रोपा जी बोलते हैं ये हमें ऐसी दे दो बेगर्स यू you नो know। वो जो एजेंट थी ना वो वो भी घबरा गई तो भाई ऐसी डील तो हमने आज तक कभी नहीं सुनी तो कहते स्वामी जी दैट्स नॉट पॉसिबल दैट्स नॉट पॉसिबल तो प्रभा जी ने कहा ओके आ, देन थ्री लाख डॉलर्स उतने में चलेगा अब ये प्रोबाइल जिस तरह से फाइनल डील डी था लाख डॉलर अब साढ़े तीन लाख डॉलर से प्रोबाइल तीन लाख डॉलर में प्रोबाइल बता था आपको फ्री में से आएगा पर कहा प्रोबाइल कर ट्राई तो जरूर आना चाहिए अच्छा लेकिन तीन लाख डॉलर वाला कहा से आएंगे तो हेरिसन फोर्ड के पढ़ पोते उनका नाम था आ, आ, क्या नाम था अमरी अमरीश फोर्ड हेनरी है? हैं, फोर्ड के बेटे जो बेटे थे जो पड़ पोते थे उनका नाम था एल्फ्रेड फोर्ड एल्फ्रेड फोर्ड जो है प्रभुपा जी से मिले गॉट इनिशिएटेड इतने इतने उनका नाम पड़ा अमरीश प्रभु अम्बरीश दास सो so, प्रभु थे और साथ में एक और बहुत ही जाने माने बहुत ही रिच व्यक्ति की बेटी थी उनका नाम, उनका नाम था शी वॉज डॉटर ऑफ वॉल्टर रूथर एंडर लीडर लेटर ऑन शी बिकेम लेख श्रवंती तो प्रभुभाजी ने बोला ओके लेख श्रवंती आई थिंक यू कैन अरेंज फॉर वन लैक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर बाकी रेस्ट आ, अम्बरीश यू कैन गिव अम्बरीश लेकू ग्रपात like yes, वही की वही डील हुई फाइनलाइज हुई डन क्लोज अब न वो व्यक्ति सोच रहा था यार ये मैंने किया क्या भाई जो मालिक था उस जगह उस जगह का तो बाद में उसको लगा कि ना यार मेरे पचास हजार डॉलर का नुकसान हो गया तो जितनी वहां के सुंदर सुंदर नॉब्स थे पेंटिंग्स थी उनको ले जाने लगा प्रो मैंने गए इट इज नाउ आवर प्रॉपर्टी प्लीज इनको प्रसाद खिलाओ लेकर ले जाओ दैट्स इट तो प्रोभा बड़े खुश थे कि कहा ये दोनों के दोनों भक्त थे अम्बरीश फोर्ट जो थे बेसिकली अमरीश प्रभु और लेख श्रवंती माताजी वर कमिंग फ्रॉम फैमिली जिनमें आपस में बड़ा कला कलेष था देवर लाइक स्टॉक एनिमीज बट बिकॉज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दे केम टूगेदर इट नॉट खुश यू गॉट मैरिड ऑल्सो बोथ दे गॉट मैरिड एज वेल सो ये हुआ था तो प्रोभा ने बोला जस्ट सी हाउ कृष्णा यूनाइट्स द फैमिलीज

it has become crime capital why because there are no values are being given so i request all the devotees in the detroit temple to kindly flood the streets of detroit with hari naam sankirtan there should be 24 hours hari naam hare krishna maha on the streets in, on the streets in the temple everywhere like that to prabhu ne is prakar se recommend kiya और साथ ही प्रभुपाज लिंग ने बोला लेकिन श्री प्रभुपाद हम ऐसी जगह मंदिर खोलेंगे ना डेट्रॉय में ये हमने मंदिर ये ले तो लिया अपने बिल्डिंग है लेकिन इट्स लाइक like, इट्स because it's a crime capital. तो ना चोर उचके भी खूब आया करेंगे यहां पर प्रभुपा ने कहा चोर अगर आता है चोर को बोलो आओ हमारे साथ बैठो प्रसाद पाओ और प्रसाद पाने के बाद तुमको जो चोरी करना है कर लो उसका ऐसा बोलना डिवोटिज कुछ प्रभुपा जी का विजन बहुत बड़ा है इट्स वेरी टू बिग तो प्रभुपा जी का ऐसा विजन देखकर द करेज यस

हमारा मायापुर में मंदिर बनना है ना इसमें फिफ्टी परसेंट तो एच टी अमृत शोह ने दिया है फिफ्टी परसेंट ऑलरेडी जो अभी हुआ है वो अमरीश शो का क्या है आठ सौ करोड़ का प्रोजेक्ट में चार सौ करोड़ इस, ये अमरीश शो से गया है एक्चुअली तो जितने लोगों ने फोर्ड कंपनी से गाड़ी खरीदी अपनी उनका कुछ लाभ उनको मिलेगा बिकॉज उनकी फोर्ड कंपनी बिकॉज एल्फ्रेड फोर्ड फोर्ड कंपनी वाली है वो उसका प्रॉफिट गया किसके पास अमरीश फोर्ड अमरीश शो के पास गया अमरीश शोह ने उसी पैसे को लगाया मायापुर में सेवा में जिन तो जिन लोगों ने फोर्डी गाड़ी खरीदी है थोड़ा उनको पुण्य अवश्य मिलेगा बिकॉज उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो मायापुर धाम की टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किया लाइक दैट सॉरी और मायापुर की भी तो खैर भी सो दैट शू वॉज वेरी हैप्पी फीलिंग वेरी वेरी डिलाइटेड दैट आई कुड सर्व माई गुरु महाराज लाइक दैट प्रभुपा जी उसके बाद पहुंचे वृंदावन ओके okay? फ्लाइट पकड़ी प्रभुपाद जी ने प्रभु जी पहुंचे वृंदावन ने कहा ना देखा कि ना इंडिया के अंदर बड़े सीरियस है रीजन बींग वृंदावन के अंदर टेम्पल बनना फिर वहां पर लोगों को कल्चर सिखाना एक्चुअली बिल्डिंग बनाना उसके बाद भक्तों को कल्चर सिखाना मंदिर चलाते कैसे हैं दिस नाउ सेकंड फेज एक्चुअली गेस्ट हाउस बना था ना वृंदावन के अंदर गेस्ट हाउस में वहां पर डिवोटीज रह रहे थे गेस्ट नहीं ने कहा ये गेस्ट के लिए है आप लोगों के लिए अलग आश्रम वगैरह बनेंगे आपको वहां रहना है सेपरेट दिस फॉर फॉर द गेस्ट आउटसाइडर्स डिटीज प्रोफाइल डांट लगाई फ्लोर गंदा था प्रोफाइल ने साफ करो इसको क्लीन द फ्लोर फ्रंट गेट के आगे बड़ा कीचड़ मचा हुआ था प्रोफाइल साफ कराओ मंगल आरती थोड़ी सी लेट शुरू हुई लगाईटीज डिबोटी प्रोभाजी ने, 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 ने। शैंडलियर में वहां पर एक घोसला बनावा था प्रोभा जी बोलते भक्त को पता है मैं में क्यों आया इस कॉन वृंदावन में ड्यू नो वाई नो प्रोफाइ टू टेल यूट देर इज ए नेर वॉट इज दिस ने रिस्पेक्टफुली टेक इट प्लेस इट आउटसाइड ऑन ए ट्री अगर हम ऐसे चिड़े होंगे घोसने बनने शुरू हो जाएंगे अगर मंदिर में फिर तो हो गया साफ सफाई आपकी सो टेक इट रिस्पेक्टफुली एक्स शु नॉट ब्रेक बी वेरी 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 केयरफुल बट टेक इट ऑफ टेक इट ऑफ प्रभु ने बहुत सारी गलतियां दिखाई भक्तों की किसी ने बोला प्रोपा ने बोला कि ना ये जो पैसा जो आता है दान का तो हाउ डू यू मेनटेन ये महंगी महंगी चीजें हैं लोग आपको बेच देते हैं दाम उसका कम होता है ज्यादा में बेसिक चले जाता है आपको वो वाई यू डूइंग दिस वट शुड वी डू टू स्टॉप द स्वांटिंग ऑफ मनी प्रोभा ने पूछा एक वक्त बोलता है शिल वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस प्रोमा ने कहा दैट इज नॉट प्रैक्टिकल यू शुड यूज योर इंटेलिजेंस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें ओके और उसके बाद फिर वहां पर एक डिबोटी थे उसने बोला शिल हमने सुना है एक अक्षयनंद प्रभु करके डिवोटी थे क्या प्रभात अगर हम दिन में एक बार पेट साफ करने जाते हैं तो हम योगी कहलाते हैं दो बार पेट साफ करने जाते हैं तो हम भोगी कहलाते हैं और तीन बार अगर साफ करने जाते हैं, तो हम रोगी कहलाते हैं प्रभा जी बिल्कुल सही है ना प्रभुपा जी ने कहा ये बिल्कुल सही है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जबरदस्ती सिर्फ एक ही बार करने जाओ ये बताने के लिए कि मैं तो योगी हूं प्रभु का पेट तुम्हारा साफ होना चाहिए भले दो बार जाना पड़े करना चाहिए पर ये नहीं बताने के लिए कि बिकॉज आई एम नॉट भोगी आई एल नॉट गो ट्वाइस आई एल गो ओनली वंस सो दैट आई कैन क्लेम दैट आई एम अ योगी प्रभा जी का दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड चैंड योर हरे कृष्णा महामंत्र प्रॉपरली प्रोभाजी ने बोला अब हुआ क्या वहां पर हरीश प्रभु ही वॉज अ टेम्पल कमांडर अब एक व्यक्ति था ब्रजवासी था वो मंदिर के अंदर भगवान के सामने प्रसाद पा रहा था तो उन्हें रोका ए डोंट टेक प्रसाद बिफोर द डीटीज अब वो थोड़ा बुजुर्ग था उसने आए कल का छोकरा मुझे क्या करेक्ट कर रहा है <coughs> दूसरे नहीं माना नहीं माना तो हरीश और पूर्ण उसकी बाह पकड़ के मरोड़ दी थोड़ी सी अब वो जो है ठीक तो चलाता तो चला गया वो अब ये बात पता लगी प्रभुपा जी को बोला यू नो हरी शोहरी तुमने ऐसा ऐसा किया यश् प्रभुपात प्रभु ने बोला यू आर टेम्पल कमांडर यू आर नॉट कमांडर इन चीफ अब वो पता क्या करेगा बाहर जाके सबको बताएगा कि स्वामी प्रभुपा जी के शिष्य हैं देखो उसने मेरे साथ कैसे ट्रीटमेंट किया इन लोग कल्चर बिल्कुल भी नहीं आता दिस वॉट ही वुड डू ट्राई टू अवॉइड गो एंड फाइंड हिम उससे माफी मांगो उसको लेकर के आओ अब हरिश् प्रभु ने उसको वृंदाव ने कहा ढूंढ लिया मथुरा तक ढूंढा है उसको मिला ही नहीं वो शाम को व्यक्ति शाम को जब हरीशौरी प्रभु के वापस आए जब नहीं मिले बड़े निराश थे वो प्रभुभा ने मुलाम को के लेकर क्या माफी मांगो जैसे प्रभु कमरे पहुंचे वो व्यक्ति बैठा था प्रभाजी के पास और मुस्कुरा रहा था प्रभु कहा जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसका फिर हरिशौरीपुर से उस मिले और उन्होंने माफी मांगी मैं थोड़ा आपको सबके सामने ऐसा बोल दिया मैंने

डिटी तो ने बोला श्री देवी माता जी करके हैं <laughs> शी एंटायर टेम्पल टू हर शी नो हाउ टू सर्व हाँ उनको दे देना चाहिए ऐसा जी कुकिंग डिपार्टमेंट में गए किशोरी माताजी उनको प्रभाजी ने कुकिंग के लिए इंस्ट्रक्शन दी कि हमें कुकिंग कैसे करनी चाहिए प्रोभा ने कहा कृष्णा यू शुड नो दैट कृष्णा इज यंग कृष्ण की एपिटाइट बहुत ज्यादा है तो इसलिए यू शुड कुक लाइक दैट ओनली शुड नो दैट कृष्णी सो दस पुड़िया होनी चाहिए चार चपातियां लॉर्ड ऑफ राइस टू समोसाज एंड टू कचोरी टू वू टू थ्री स्वीट एट लीस्ट बिकॉज ही इज अंग मैन यू शूड टू लाइक दैट एंड जितने कुक्ड आइटम्स है दे शुड बी सर्व्ड हॉट यानी ठंडी पूरी ठंडी चपाती ठंडा ना दे शुड बी सर्व हॉट प्रोबाइ ने इस तरह से कुकिंग के लिए भी इंस्ट्रक्शन वोट इज प्रोबा ने कुकिंग करके दिखाई वहां पर

जहां पर वी ग्रो लोकली एंड वी कंज्यूम लोकली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड कृष्ण बराम के लिए राधा श्याम सुंदर के लिए गौनता के लिए वी शुड ग्रो लोकली वी शुड हैव फार्म्स इन वृंदावन का विजन इज वाओ ने है ठीक किया और अब दूसरा कंसर्न था टुवर्ड्स बॉम्बे बॉम्बे में ऐसा चल रहा था कि ना बॉम्बे के अंदर वहां पर चोरी चकारी बहुत हो रही थी तो प्रभुपा जी ने वहां जाके पता लगाया कि ना ये ऐसा क्यों होता है चोरी चकारी क्यों हो रही है बिकॉज दे वोट इज अ वेरी इनोसेंट अभी जो विदेश से आए भक्त लोग तो अक्सर चोरी हो जाती है तो फिर फाइनली एक ईसीसी कंपनी जो कि वहां की नंबर वन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कंपनी थी वहां ना के सीनियर इंजीनियर आज बताया ये जो आपकी बिल्डिंग बन रही है ना ये विद इन फ्यू इयर पूरी ढह जाएगी इसमें रेत है रेत इसमें सीमेंट है ही नहीं इसके अंदर तो फाइनली ही टूक चार्ज ऑफ द एवरीथिंग एंड देन एवरीथिंग वॉज कितने सीमेंट की बोरियां आई कितनी गई कितनी कंज्यूम हुई प्रभुपाद ने चोरी-ओरी भी हुई मैं अंग्रेज भक्त है इनको तो कोई भी घुमा दे इनको प्रभुपाद जी वहां से फिर साउथ अफ्रीका भी गए सो so, प्रभुपाद जी फाइनली जो है साउथ अफ्रीका गए 1975 में तो वहां पर पुलिस वालों ने ऐसा वेलकम किया प्रभुपाद का नोइंग दैट ही इज अ ग्रेट सेंटली पर्सनालिटी ही हैज रिवॉल्यूशनइज्ड एंटायर वर्ल्ड तो ऐसे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स थे दे वर वेलकमिंग श्री प्रभुपाद एंड देयर द डिवोटीज आर वेरी हैप्पी

रेस uh, ये ब्लैक रेस ये व्हाइट रेस ये मैन रेस ये वुमेन रेस एक्सक्यूज मी इंफीरियर सुपीरियर प्रभाजी ने कहा ओनली वेट टूगेदर एवरी वन शुड कम टूगेदर एंड टू हरिनाम संकीर्तन जी प्रभु पहुंचे मॉरिशस मॉरिशस में प्रभुपा जी मिले वहां के प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए जाना था वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक शॉफर्ड गाड़ी भेजी प्रभु जी के लिए और जी उस गाड़ी के अंदर है पर हुआ क्या सामने से बहुत तेज स्पीड में एक और गाड़ी आ रही थी तो थे, इन प्रभान और सामने वोक्स, वेगन, और दोनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ और दोनों ब्राह्मण स्वामी ने इमीजियटली प्रभु जी को ढका प्रोभा जी को कम से कम चोट लगे तो बाकी चोट लगी प्रभुपा जी वहां चेहरे पे हाथ पे कांच वगैरह भी आए पर प्रभुपा जी काम थे हॉस्पिटल और वहां प्रभा जी का निकाले गए जो चोट वगैरह आई थी वो निकाली गई प्रभुपाज बड़े काम कम्पोजिंग महाराज कम so, और ब्रह्मानंद स्वामी पुष्ट कृष्ण महाराज के सब हैरान हो कि इतना यह शॉक इंसिडेंस प्रभुपा जी काम कंपोज है मैसेज भी देख लिया कृष्ण का मैसेज क्या है वापस तो जी का प्लान ही था दैट नाउ आई शुड गो बैक टू इंडिया तो नायरूबी से अलग इन्विटेशन आया हुआ था लेकिन जी बोला ना आई शुड गो बैक टू इंडिया पर नायरूबी के भक्तों को बुरा ना लगे तो जी ने कहा ओके लेट मी गो टू एज वेल जी को भी लगे हुए हैं बट स्टिल ही स्टिल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही वेंट टू सॉरी मॉरिशियस मॉरिशियस फिर जी नायरो जस्ट टू प्लीज द डिबोटीज भक्तों की खुशी के लिए फिर वहां से जी प्लान बनाया नाउ लेट मी गो टू इंडिया बैक टू इंडिया सो दैट वृंदावन में डिबोटीज बताओ मंदिर चलाते कैसे हैं और मुंबई में बताऊं कि मंदिर बनाते कैसे हैं फिर मंदिर चलाते कैसे हैं तो ये प्रभुपा जी का प्लान था उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे अगले सत्र के अंदर हरे कृष्णा